भगवान सतरूप है, ज्ञान रूप है और अनंत है। अनंत जीवों में वो व्यापक है। जैसे आकाश हमारे हृदय में भी है तो मच्छर के हृदय में भी है। आकाश से भी सूक्ष्म परमात्मा चिदाकाश है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट हो वही मैं जाना। हरि व्यापक है सर्वत्र समान, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे सिंधु नदी के किनारे बसने वाले सिंधी भाइयों ने रत्नानी की आगेवानी में दरिया किनारे समुद्र किनारे एक तट देखते देखते तुम अब रक्षा करोगे। मृख बादशाह तो धर्मांधता में है और उसका मृख वजीर का आहा दोनों तुले हैं कि हिंदू धर्म नष्ट करना है। लेकिन प्रभु हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा तो अवतार होना बंद हो जाएगा। मानवता की महानता उजागर करने वाली रीति रिवाज सब चली जाएगी। आप ही धर्म की रक्षा के लिए युग युग में अवतरित होते हो। किसी भी रूप में प्रभु हमारी रक्षा करो। रक्षमाम रक्षमाम ओम। फिर शांत होते तो इंद्रियां मन में गई और मन बुद्धि में गया और बुद्धि भगवान में शांत हुई। वही भगवान की सत्ता से अवतार हुआ, उसको बोलेंगे झूलेलाल अवतार। अवतार में और जन्म में क्या फर्क होता है? कर्म बंधन और वासना से जो पैदा होता है उसको बोलते जन्म। और अपने आप को ज्यों का त्यों जानते, अब प्रकृति को वश में करने की ताकत आई, फिर भी किसी के भलाई के लिए नीचे आए तो हो गया अवतार। जैसे राष्ट्रपति ऑफिस में आते हैं और ऑफिस के कामकाज में किसी बाबू के साथ उसका हाथ बटा के उसको लाइन दिखाते हैं, अथवा कोई महान संत भक्तों के बीच आते हैं और माला जपना सिखाते हैं और भक्तों के बीच बैठ जाते हैं, तो ऊंचाई की अनुभूति वाला सामान्य लोगों के बीच आए उदारता से, उसे बोलते अवतार। अवतरति इति अवतार। तो रावण का निमित्त लेकर कंस का निमित्त लेकर जो अवतार हुआ उसको बोलते नैमित्तिक अवतार। मृख बादशाह की दुष्टता को दूर करके और सिंधी लोगों को आत्म प्रसाद देने के लिए जो अवतार हुआ यह है नैमित्तिक अवतार। और कभी समर्थ रामदास, कभी तुकाराम, कभी रमण महर्षि, कभी लीलाशाह बापू, कभी कोई संत समाज को उन्नत करते हैं, उनको बोलते नित्य अवतार। तो भगवान का वो ज्ञान स्वभाव नित्य प्रकट होता रहता है जिन संतों में, वो नित्य अवतार। और किसी विशेष निमित्त को लेकर प्रकट होता है उसको नैमित्तिक अवतार बोलते। फिर द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा है, द्रौपदी असहाय हो गई। द्रौपदी ने इधर का सहारा सारा नगण्य मानकर पूर्ण शरणागत होकर बोली हे द्वारकाधीश रक्षमा। तो दुशासन ने साड़ी तब तक थोड़ी खींच ली थी, बाद में भगवान की कृपा अवतरित हुई। वो साड़ी खींचते खींचते हाथियों का बल वाला दुशासन थक गया। नारी है कि साड़ी है, नारी है कि साड़ी है, थक गया। और लोगों को भी आश्चर्य हुआ, आखिर क्या फरकड़ी की नहीं फिर रही है और खींचता चला गया, थक गया। तोबा मान ली, हार मान ली। द्रौपदी अपने स्थान पर पहुंची, श्री कृष्ण पधारे। कि द्वारकाधीश आपको पुकारा, आपने प्रवेश अवतार ले लिया, साड़ियों में आपकी ज्ञान सत्ता प्रविष्ट हो गई, कपड़ा खूटा नहीं, लेकिन थोड़ा देर से आए। उस अभागे ने कुछ कपड़ा तो खींच ही लिया था, पहले क्यों नहीं आया पुकारते? बोले पगली, तूने पुकारा हे द्वारकाधीश तो मैं यहाँ से द्वारका गया फिर आया, इसलिए टाइम लगा। हे अंतर्यामी बोलती तो उसी समय आ जाता। वो हाजरा हजूर है परमेश्वर, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं।
वो सत रूप है, चैतन्य रूप है, ज्ञान स्वरूप है, सर्व समर्थ है। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा करने में भी समर्थ है। ऐसी ऐसी भगवान की भक्तों के साथ लीलाएं होती है कि सुनते ही मन पवित्र होने लगता है। भगवान झूलेलाल का अवतरण उन्हीं सिंधु नदी किनारे बसने वाले सत्संगी लोगों ने करवाया था। मूर्ख बादशाह महत्वाकांक्षी था, या तो हमारे मजहब में आ जाओ या तो मौत को कुर्बान करो, या तो दीन बदलो या तो फिर मरने को तैयार। कई कायर लोगों ने, किसी ने मजहब बदला होगा, हिंदू धर्म छोड़कर गए होंगे, बाकी के लोगों ने सोचा कि नहीं, ये वैदिक धर्म है, किसी व्यक्ति का चलाया हुआ नहीं है, भगवान कृष्ण और राम का भी नहीं, सनातन है, इसको छोड़कर हम दूसरे धर्म में जाएं। स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन मरना भी कायरता है, डटे रहना है, टक्कर लेनी चाहिए। सत्संग में सुना था, गए समुद्र किनारे, 40 दिन का व्रत भगवान को पुकारेंगे, 9वें दिन लेखकों के फेर से दिनों की कमी ज्यादा हो सकती, तीसरे दिन भी कहीं आता है, कहीं 9वें दिन, लेकिन वो प्रकाश पुंज आया, आकाशवाणी हुई, फिर तुम भूखे हो, ये प्रसाद खा लो, मीठे चावल और कोहरादी, मिश्री और नारियल, मूर्ख बादशाह को बोल दो मैं नसरपुर में रत्नानी के यहां आ रहा हूं। वो भगवान का अवतार हो। बहुत कुछ अवतारों के द्वारा समाज की उन्नति के राह रोशन होती है।